लास्ट गुड मॉर्निंग आईबीपीएस क्लर्क प्री का आज जो पेपर आपने दिया उसका एनालिसिस हम देखेंगे। अगर आप पूछे कि कितने क्वेश्चन सर अटेम्प्ट करने लायक थे इस पेपर में, तो मैं बोलूँगा कि आज के पेपर में आप आउट ऑफ भी मार्क्स कमा सकते थे अगर आपका पूरा पढ़ाई हो चुका है तो। मतलब कि जो ओल्ड स्टूडेंट्स है वो पूरा पेपर आराम से ही अटेम्प्ट कर सकते थे। दो तीन क्वेश्चंस में थोड़ा सा ट्रिक था, पर बाकी सारा पेपर बहुत ही इजी लेवल का ये दिया गया था। ये पेपर आया कहाँ से, तो मैं बोलूँगा कि ये पेपर प्रीवियस दो पेपर को मिला के मैंने बनाया जो आईबीपीएस क्लर्क प्री में पहले लिए गए थे। प्री का एग्जाम हम लोग देख रहे हैं क्लास, तो एक बात हमको जहन में रखनी है अच्छे से कि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डेटा ज़्यादा होता है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि पैसेज में डेटा बहुत ज़्यादा रीड करना पड़ता है, तो आप लोग इनिशियली, क्योंकि आपका 20 मिनट्स का पेपर है, तो आप उसको स्किप करें। सेकेंड चीज़, अगर क्लोज टेस्ट है मतलब कि पैराग्राफ फिलर्स, तो उसको भी आप लास्ट में अटेम्प्ट करें। और अंत में बचता है ट्रेडिशनल रीअरेंजमेंट, जिसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सेंटेंस बताने पड़ते हैं खुद से रीअरेंज करके, वो क्वेश्चन भी आप लास्ट में अटेम्प्ट करें। सर, ये तीनों क्वेश्चन अगर एग्जाम में हो तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना चाहिए हमने अंत में, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले आप क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करें, फिर आप पैसेज अटेम्प्ट करें, और अंत में आप रीअरेंजमेंट अटेम्प्ट करें। क्योंकि बहुत बार रीअरेंजमेंट अगर उसमें ट्रांजिशन सही ना हो तो आप लोगों को बहुत ही टाइम वो लेगा, तो मैं चाहूँगा कि, या मैं ये बताऊँगा आपको कि आप वो लास्ट में ही सॉल्व करें। तो जो भी वन लाइनर्स होंगे, जैसे कि एरर्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, या स्पेल टेस्ट होते हैं, या कनेक्टर्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन से आप आपका पेपर स्टार्ट करें। इस क्वेश्चन में या इस एग्जाम में पहला जो प्रश्न था, पहले पांच, वो कॉम्प्रिहेंशन पे थे, तो उसको हमने स्किप कर देना है। उसके बाद के पांच क्वेश्चन क्लोज टेस्ट पे थे, उसको भी मैं स्किप करने वाला हूं, और सीधा उसके बाद जो इलेवेंथ क्वेश्चन है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहां पे जो इलेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है, और इलेवेंथ से लेके 15 क्वेश्चन ये एरर बेस्ड है, हमको एरर सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग याद करें कि मैंने आपको जिन जिन बैचेस में एनालिसिस पढ़ाया है, वो सब लोग एनालिसिस के माध्यम से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगा। 11th नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 11th नंबर में हमको एक कॉमा नजर आ रहा है, तो यहां से हम लोग सेंटेंस को तोड़ सकते हैं। मतलब यहाँ पे दो पार्ट है, पहला पार्ट जाहिर सी बात है, यहाँ वर्ब नजर आ रहा है तो क्लॉज ही होगा। सेकेंड पार्ट में आईएनजी फॉर्म वर्ब जरूर है, पर उसके साथ कोई सपोर्टिंग वर्ब नहीं है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये क्लॉज नहीं है, फ्रेज है। पहले क्लॉज को मैं तोड़ता हूं थर्ड स्टेप से, जो लोगों ने भी एनालिसिस किया उनको पता होगा थर्ड स्टेप क्या है। तो ये वर्ब है वेयर से लेके वो इन तक कट जाएगा, मतलब ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट में अगर मैं जाता हूं तो मुझे एक प्रीपोजिशन नजर आ रहा है ऑन, मतलब कि यहां दो लिंक्स अवेलेबल है। पहले लिंक में एक काउंट बेस्ड एडजेक्टिव है, मेनी अ का ये रूल है, अगर आपने सिंटैक्स खत्म कर लिया है तो आपको पता ही होगा कि मेनी अ के साथ एक सिंगुलर नाउन आता है जो कि आ रहा है यहां पे, और यही रियल सब्जेक्ट भी है क्योंकि पहले लिंक का नाउन ही रियल सब्जेक्ट भी होता है। तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही आना चाहिए, जो कि यहां पे प्लूरल नजर आ रहा है वेयर, तो यहां पर होना चाहिए था वॉज, मतलब हमको एरर मिलता है बी वाले पार्ट में, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे एक कंजंक्शन नजर आ रहा है अनलेस, मतलब कि सेंटेंस को मैं यहां से तोड़ूंगा। अब सेंटेंस में पहले क्लॉज का वर्ब अगर मैं ढूंढू तो डोंट से लेकर मुझे टू गिव तक नजर आ रहा है, और आई की अगर मैं बात करूं तो आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ मैं प्लूरल वर्ब यूज करूंगा बिना एस वाला, जो कि बिल्कुल सही है। डू के साथ अगर मैं देखूं तो वी वन आता है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे मुझे एक इंफिनिटिव नजर आ रहा है इस ऑब्जेक्ट के बाद, यू के बाद, टू प्लस वी वन, जो कि फॉर्मूले के हिसाब से बिल्कुल सही है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्लॉज में कोई एरर नजर नहीं आ रहा है। यहां पर एक और क्लॉज है जो डैट से नजर आ रहा है हम लोगों को,
या मैं बोल सकता हूं ये डैट नंबर जो है इसमें डैट एडजेक्टिव है, तो नंबर मेरा सिंगुलर नाउन होगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट पार्ट है। मतलब पहले क्लॉज में देखा जाए तो ऐसा कोई मिस्टेक मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं सेकंड क्लॉज में जाऊं तो मुझे यहां इट्स में एपोस्ट्रोफ है, मतलब ये जाहिर सी बात है कि ये इज होगा, और यहां पर ये इतना ही मेरा वर्ब है, वर्ब का रीजन है इज नॉट। अब हमारा एक रूल है जो हम लोगों ने अनलेस अंटिल में पढ़ा था, जिन जिन लोगों का कंजंक्शन हो चुका है उनको ये पता होगा कि अनलेस अंटिल के सेम रीजन में हम लोग नॉट यूज नहीं करते, मतलब कि ये एरेनियस पार्ट है, मतलब कि एरर है सी पार्ट में, सी वाला पार्ट है सेकेंड ऑप्शन, मतलब ये हमारा सेकेंड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं तोड़ू तो मुझे कंजंक्शन नजर आ रहा है, वो है व्हेन, मतलब यहां पर दो क्लॉजेज है। अगर मैं पहले क्लॉज की वर्ब की बात करूं तो मेरे पास में आर ये वर्ब है, मैं इसको अलग कर लेता हूं। अगर मैं प्रीपोजिशन ढूंढू पहले क्लॉज में, पहले क्लॉज के सब्जेक्ट में, तो ऑफ है, मतलब यहां पे दो लिंक्स अवेलेबल है, और पहले लिंक का रियल सब्जेक्ट है लेवल्स, जो कि एक प्लूरल नाउन है, इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब आर बिल्कुल सही है, इसका मतलब पहले क्लॉज में कोई मिस्टेक अवेलेबल नहीं है। सेकेंड क्लॉज में अगर मैं चलूं तो मुझे वर्ब नजर आ रहा है इस से लेकर इन तक के, जो जिन लोगों ने एनालिसिस किया है उनको ये सब पता है कि किस किस्म से तोड़ा जाता है, मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता रहा हूं। चिल्ड्रन देखा जाए तो एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो वह प्लूरल होना चाहिए था, इज नहीं आर होना चाहिए था, सिंटैक्स की गलती है, इसका मतलब आपका जो एरर है वो सी पार्ट में मिलेगा, आपका सी पार्ट फर्स्ट ऑप्शन में, आप यहां से सिलेक्ट कर ले उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे एक कंजंक्शन नजर आ रहा है बट के पास से, तो यहां पर दो क्लॉजेस है ये दिख रहे हैं हम लोगों को। अगर मैं वर्ब को तोड़ू तो मुझे इंटेंट से लेकर टू गो तक के वर्ब नजर आ रहा है। अब यहां पर इस क्लॉज में मुझे टाइमिंग भी दिया हुआ है, वो है यस्टरडे। यस्टरडे सबको पता है कि पास्ट का टाइमिंग है, अगर हम पास्ट का टाइम यूज कर रहे हैं तो क्लॉज का जो पहला वर्ब का टुकड़ा होता है जो कि इंटेंड है वो पास्ट में होना चाहिए, मतलब कि ये रॉन्ग है, यहां इंटेंडेड होना चाहिए था, इसका मतलब कि गलती है आपके ए वाले पार्ट में, और ए वाला पार्ट आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं चलूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे कोई कंजंक्शन नजर नहीं आ रहा है डायरेक्ट वाला, एक कंजंक्शन है और पर वो दो नाउन फ्रेज को जोड़ रहा है, एवरी बायर और एवरी सेलर। तो सीधा हम लोग अब वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब ढूंढते हैं हम लोग सपोर्टिंग वर्ब से, जो कि हैव है, हैव से लेके बाय तक मुझे वर्ब नजर आ रहा है। अब मैं सब्जेक्ट में आ जाता हूं, सब्जेक्ट में प्रीपोजिशन ढूंढता हूं, मुझे कोई प्रीपोजिशन नजर नहीं आ रहा, पर एवरी नजर आ रहा है। एवरी का रूल है कि एवरी जितने सब्जेक्ट्स लेकर आएगा वो सारे सिंगुलर होने चाहिए, यहां पर बायर भी सिंगुलर, यहां पर सेलर भी सिंगुलर है, और जितने भी सब्जेक्ट्स लेकर आए वर्ब जो है हमारा सिंगुलर होना चाहिए, यहां पर प्लूरल नजर आ रहा है, मतलब यहां हैज होना चाहिए था, मतलब गलती हमको पहले क्लॉज के वर्ब में ही मिल रही है, हैव के जगह होना चाहिए था हैज, जो कि ए वाले पार्ट में, ए वाला पार्ट आपका पहला ऑप्शन है, आप उसको टिक कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्लास, नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि हेडिंग में नजर आ रहा है कि मिसस्पेल्ड वर्ड्स है। मिसस्पेल्ड वर्ड्स में एक चीज आप लोग ध्यान में रखें कि आप लोगों को सबसे पहले जो बोल्ड वर्ड दिए हुए हैं उन्हीं को डायरेक्ट स्पेलिंग में चेक करना है, अगर फिर भी गलती ना मिले आप लोगों को तो आप लोग फिर ग्रामर और अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट वहां पर ले सकते हो। मैं आगे बढ़ूंगा पहले क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन में ए वाला जो स्पेलिंग है स्ट्रेटेजिक, उसका स्पेलिंग बिल्कुल सही है। बी वाला अगर मैं देखो इनिशिएटिंग, तो वो भी सही है। अगर मैं सी वाला देखो स्ट्रक्चर्ड, तो वो भी बिल्कुल सही है। अगर मैं डी देखो इंस्टीट्यूशनल, तो उसके स्पेलिंग में भी कोई मिस्टेक नहीं है। अगर मैं ई देखो अरेंजमेंट्स, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब स्पेलिंग में तो कोई गलती नहीं है। अब यहां पर हमारे पास कोई नो एरर वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब किसी ना किसी एक वर्ड को हमको अलग अलग एंगल से चेक करना पड़ेगा। अब यहां पे स्ट्रेटेजिक आपका एडजेक्टिव है क्योंकि डायमेंशंस नाउन है। अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो कि द स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस, क्योंकि प्रिपो है यहां पे ये, तो ये लिंक हो गई, डायमेंशंस मेरा नाउन है, एडजेक्टिव बनेगा स्ट्रेटेजिक, और स्ट्रेटेजिक एक एडजेक्टिव ही है। मैं आगे बढ़ता हूं, इनिशिएटिंग अगर मैं देखूं तो यहां पर इनिशिएटिंग के साथ एक टाइम जुड़ा हुआ है ड्यूरिंग द 1980s, 1980 के दौरान,
जो इनिशिएट किया जा रहा है, किया जा रहा है कि किया गया है, तो मैं बोलूंगा किया गया है। इसका मतलब ये जो आईएनजी फॉर्म यहां पर एज एन एडजेक्टिव दिया है, क्योंकि इसके पहले कोई सपोर्टिंग वर्ब नहीं है, ये रॉन्ग पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। यहां पर हमको पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव चाहिए था इनिशिएटेड, क्योंकि यहां पर 80s की बात नजर आ रही है। तो एरर आपका जाएगा या वर्ड जो आपका रॉन्ग होगा वो बी वाला पार्ट है, जो कि एक मिसस्पेल्ड वाला रूल के हिसाब से सॉल्व नहीं होगा, जो कि एक एरर के रूल के हिसाब से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। तो हिस्पैनिक्स, बहुत सारे बच्चों को ये वर्ड नहीं पता होगा, पर इसका स्पेलिंग सही है यहां पर। नेक्स्ट वर्ड है मोमेंट, इसका भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इशू की अगर मैं बात करूं तो इसका भी स्पेलिंग सही है। इमिग्रेशन की मैं बात करूं तो इसका भी स्पेलिंग सही है। अपॉइंटमेंट का भी स्पेलिंग सही नजर आ रहा है, इसका मतलब स्पेलिंग में किसी के मिस्टेक नहीं है। ग्रामर और अंडरस्टैंडिंग वाला एंगल लेना पड़ेगा। अब यहां पर मैं हिस्पैनिक्स देखूं तो इसके साथ एक पास्ट का वर्ब आ रहा है, मतलब मैं इसको कोई काउंट में नहीं जोड़ सकता। आगे मैं बढ़ता हूं, फॉर सॉलिड मूवमेंट, मूवमेंट नाउन है, सॉलिड एडजेक्टिव है, यह भी सही नजर आ रहा है। आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट लिंक है द ऑल इंपॉर्टेंट इशू, तो ये भी बिल्कुल सही है, इशू नाउन है और नाउन की तरह ही दिया हुआ है। इमिग्रेशन, ऑफ इमिग्रेशन, इमिग्रेशन भी नाउन है, नेक्स्ट लिंक है, जो कि बिल्कुल सही है। इस पार्ट में अगर मैं विच से देखूं सेंटेंस को, विच हैज टर्न आउट टू बी अ ह्यूज अपॉइंटमेंट, जो कि एक बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट हुआ, ऐसी कोई बात नहीं होती है। इसका मतलब यहां पर ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसको आपको अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे सॉल्व करना पड़ेगा। और यहां अपॉइंटमेंट की जगह, अपॉइंटमेंट एम्प्लॉइज की होती है, अपॉइंटमेंट की जगह आपको यहां पे डिसअपॉइंटमेंट लेना चाहिए सेंटेंस की थीम और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। ये पॉइंट समझा मैंने, तो इसका आंसर आएगा ई, मतलब के जो पांच नंबर पर है, ट्रेडिशनल ही है, तो आप इजीली उसको उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन का पहला जो वर्ड है मैच्योर्ड, उसकी स्पेलिंग सही नजर आ रही है। बी वाला जो वर्ड है पार्टनरशिप हो रहा है यहां पे, इसका मतलब इसकी स्पेलिंग में डायरेक्ट मिस्टेक हमको मिल रहा है। आपको पार्टनरशिप बोलनी चाहिए, आप मैथ्स में भी ये चीज पढ़ते हो तो स्पेलिंग शायद आपको अच्छे से पता होगी। बी वाला पार्ट सेकेंड ईयर ट्रेडिशनल ईयर, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा फास्ट बता रहा हूं, आप लोग वीडियो रुका रुका के या वीडियो को पॉज कर करके चीजों को, जो भी बात आपको ना समझे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। पहली स्पेलिंग है प्रायोरिटी की, जो कि बिल्कुल सही है। मैसिव स्पेलिंग सही नजर आ रही है मुझे। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। डिसरप्ट्स की अगर मैं बात करूं तो स्पेलिंग सही है। पांचवा वर्ड आ रहा है डेस्पारेटली, एक्चुअली डेस्परेटली होता है, इसका मतलब ये डायरेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड है। यहां पे डेस्परेटली में हमको ई चाहिए था और ये ई वाला ही वर्ड है जो जिसका आंसर होना चाहिए पांच। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मैं चलता हूं। पहला ऑप्शन है होप्स, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है प्राइज, उसका भी स्पेलिंग सही नजर आ रहा है। तीसरा है स्पाइरलिंग, स्पेलिंग तो सही है। डिमांड है, इसका भी स्पेलिंग सही है, नो एरर है हमारे पास। पर हम लोग डायरेक्टली स्पेल चेक में डायरेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं निकाल सकते, ग्रामर और वोकैबुलरी का एंगल आपको जरूर चेक करना है। तो अब मैं सेंटेंस पढ़ के देखता हूं। प्रोवाइडिंग फ्रेश होप्स, यहां पर नाउन है होप्स, बिल्कुल सही है। टू जिंजर फार्मर्स इन साउथ इंडिया द प्राइस ऑफ जिंजर राइस, ऑफ जिंजर मतलब कि अदरक सबको पता है, प्राइस ऑफ मतलब अवार्ड ऑफ जिंजर राइसोम्स, अवार्ड तो नहीं होगा ये, मतलब बात किसकी कर रहा होगा, ये कीमत की बात कर रहा है। यहां पे एक सुपर फ्लस किया गया हमारे साथ, ये प्राइस के साथ हमको चाहिए था, या इसमें जेड था, हमको चाहिए था सीई, जिसका आंसर है बी, जो कि ट्रेडिशनली टू ही है, तो ये टू पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्लास, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है, और इसके हेडिंग से पता ही चल रहा होगा आप लोगों को कि ये एक फ्रेज सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। फ्रेज सब्स्टिट्यूशन में आपको बोल्ड और अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ रहेगा, आपको उन्हीं को क्रॉस चेक करना है। तो अगर मैं पहला एग्जाम्पल देखू तो मुझे विल लिव पे बोल्ड और अंडरलाइन नजर आ रही है, तो हमको विल लिव को चेक करना है कि वो विल लिव सही है ग्रामर के हिसाब से, वोकैबुलरी के हिसाब से, या हमको उसको बदलना पड़ेगा। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल को तोड़ू तो सबसे पहले मुझे यहां डैट नजर आ रहा है, उसके बाद मुझे एक एंड भी नजर आ रहा है, मतलब ये तीन क्लॉज का एग्जाम्पल है।
पहला क्लॉज अगर मैं देखूं तो मुझे टोल्ड मिल रहा है. टोल्ड मतलब ये नरेशन का एग्जांपल है. नरेशन के बारे में मैं याद दिला दूं आप लोगों को, जब भी आप किसी बोलने की क्रिया का प्रयोग करोगे जैसे कि टेल, से, रिप्रिमांड या आप आस्क या आप एक्सक्लेम, ऐसे वर्ड्स यूज करोगे जिसमें आपको जबान चलानी पड़ेगी, उस एग्जाम्पल को आप नरेशन बेस्ड एग्जाम्पल मान सकते हो और वो आपके पहले क्लॉज के पार्ट में आएगा. ठीक है, नरेशन का रूल बोलता है कि अगर पहले क्लॉज का जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपका टोल्ड, यानी कि दिया हुआ ही है आप लोगों को, वो अगर पास्ट में हो तो आपको जो अगले पार्ट है उनको भी पास्ट में डालना पड़ेगा. तो जो सेकंड क्लॉज है वो वेयर से पास्ट हो रहा है, हमको दिख रहा है यहां पे. थर्ड पार्ट में विल मुझे फ्यूचर नजर आ रहा है और विल को जस्ट पास्ट फॉर्म में अगर मुझे डालना है तो मैं उसको वुड के तौर पर डालूंगा, तो सीधा ही मुझे ग्रामर पे आंसर मिल रहा है. ग्रामर के हिसाब से वो है वुड लीव, वुड के साथ विवन आता है वो भी सही है, मतलब आंसर आएगा 4. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे नाइदर नॉर का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, तो यहां पे नाइदर को अंडरलाइन किया गया जिससे हम लोगों ने ये पहचाना है. नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो रूल बताया था मैंने आपको कंजंक्शन के स्टार्टिंग में. कोरिलेटिव कंजंक्शन है, दो टुकड़ों में आते हैं और दो अनकॉमन पार्ट्स को लेकर आते हैं. अब दो अनकॉमन पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो टैक्टफुल एक एडजेक्टिव है जिसके पहले नॉर बराबर आ रहा है. दूसरी चीज, ऑनेस्ट भी एक एडजेक्टिव है जो हमारा फर्स्ट एडजेक्टिव है, इसके पहले नाइदर आना चाहिए था क्योंकि अनकॉमन पार्ट के पहले चीजें आती है. इसका मतलब नाइदर इसकी जगह इज नाइदर होना चाहिए और नाइदर का ही पार्टनर नॉर बनता है और इज नाइदर हमको मिल रहा है सेकेंड आंसर, सेकेंड ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर बनेगा. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं क्लास. नेक्स्ट स्लाइड में हमको 23rd क्वेश्चन मिल रहा है. ये एग्जाम्पल में दैन मी को अंडरलाइन किया गया है, मतलब ये कि ये एक डिग्री का एग्जाम्पल है और जो दैन है उसके जस्ट पहले मुझे सीनियर दिख रहा है. सीनियर वो वर्ड है ओआर वाले वर्ड जिनके साथ दैन के जगह टू लगाया जाता है, ये मैंने आप लोगों को डिग्री की क्लास में पढ़ाया था. तो यहां पर मैं सीधा टू के ऊपर में जाऊंगा, टू मुझे दिख रहा है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, वो है फर्स्ट, मतलब ये टू मी आएगा. ये वर्ड बेस्ड क्वेश्चन था क्लास, इसलिए मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, नहीं तो हम लोग इसको भी एनालाइज जरूर करते. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं. सेम चीज मुझे दैन नजर आ रहा है, फिर से एक डिग्री का एग्जाम्पल हमको दिख रहा है. अब एक बात मैं आपको बताऊं, जिन जिन एडजेक्टिव्स को आप ER और EST इन सफिक्सेस के साथ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में डाल सकते हो तो आपको जरूर उसी तरीके से आपने उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में डालना चाहिए, मोर और मोस्ट नहीं लगाना चाहिए. जैसे हेल्दी है तो बच्चा सोचता मोर हेल्दी लगाओ क्या, ऐसे नहीं करना है आपने. हेल्दी का हेल्दियर हो सकता है तो आप ESTI लगा के उसको जोड़ दे. अगर मैं बात करूं ब्यूटीफुल की, अगर मैं बोलूं ब्यूटीफुलर तो ये वर्ड बिल्कुल ही सही नहीं लगेगा. तो जहां आपको साउंड सही नजर ना आए वहां से आप लोग ESTI का प्रयोग बंद करके मोर मोस्ट ले सकते हो. तो यहां पर दैन है, सीधा ही दिख रहा है, कंपैरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है और वीटी का वीटियर हो सकता है तो मैं मोर वीटी क्यों लूंगा, इसका मतलब मेरा आंसर आ जाएगा सीधा 4. डिग्री में मैंने ये सब आपको पढ़ाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे वाई यूर फेल्यूअर ऐसा कुछ पार्ट नजर आ रहा है, हमको इसको तोड़ के देखना पड़ेगा, डायरेक्ट वर्ड बेस्ड नहीं मिलेगा. एक फ्रेज अलग कर लेता हूं टू बी सक्सेसफुल, उसके बाद वाई यहां पर बीच में यूज हुआ है, एंड में कंजंक्शन फुल स्टॉप है, इसका मतलब ये कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है. तो आपको याद रखना है वाई एक बहुत बड़ा कंजंक्शन है, आपको उसके साथ क्लॉज लेके आना है. क्लॉज लेके आना है तो आपको वर्ब लेकर आना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद यहां से एक थर्ड पार्ट भी टूट रहा है क्योंकि कंजंक्शन आ रहा है. तो सबसे पहले मैं पहला पार्ट चेक कर लेता हूं, टू बी सक्सेसफुल, जो कि बिल्कुल सही है. उसके बाद बोला यू मस्ट अंडरस्टैंड, मस्ट मेरा मॉडल वर्ब है, मॉडल के साथ वी वन आता है, ये भी बिल्कुल सही है. आगे मैं चलता हूं, इस पार्ट में क्योंकि वाई एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डेवलप करता है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के सारे क्लॉज क्लॉज रहने चाहिए, फ्रेज नहीं रहने चाहिए और यहां पर कोई भी वर्ब यूज नहीं हुआ है, मतलब हमको यहां पर वर्ब वाला एग्जाम्पल उठाना है या वर्ब वाला ऑप्शन उठाना है. और फेल्युअर तो नाउन है, फेल्युअर का वर्ब फॉर्म होता है फेल, जिसके 5 फॉर्म होते हैं फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग और फेल्स. तो यहां पर हमको फेल के साथ वर्ब का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा. अब अगर इस ऑप्शन को देखूं मैं, गलती है तो 5वां तो नहीं आएगा. योर फेल्युअर, ये भी ऑप्शन आपका डिलीट हो जाएगा.
अब यहां पर हम लोगों को एंड में फुल स्टॉप मिला हुआ है, बिकॉज वाला भी एग्जाम्पल हम लोग चेक कर लेते पहले। सर वाई को हटा के बिकॉज डाल सकते हैं यहां पे, बिकॉज अगर मैं डालू तो मुझे एक वर्ड मिल रहा है यहां पे पास्ट, पास्ट मतलब पास्ट की बात होनी चाहिए, और पास्ट की बात हैव से नहीं आएगी, हैड से आएगी, मतलब ये वाला भी ऑप्शन डिलीट हो जाएगा आपका। तो आपके पास दो ऑप्शन है, वाई हैड यू फेल्ड और वाई यू हैड फेल्ड। अब दोनों में सिर्फ यू हैड और हैड यू चेंज हो रहा है यहां पे, और एंड में फुल स्टॉप है तो आप सपोर्टिंग वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के पहले नहीं लाओगे। इसका मतलब यहां जो ये सपोर्टिंग वर्ब पहले आ रहा है ये ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्लास हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि नजर ही आ रहा है ऑप्शन से, पता ही चल रहा है आप लोगों को कि ये ऑप्शन बेस्ड रीअरेंजमेंट है। ऑप्शन बेस्ड रीअरेंजमेंट में आप ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर्स को उठा सकते हो। ट्रेडिशनल रीअरेंजमेंट में आपको कनेक्टर्स का प्रयोग कर करके जोड़ियां बनानी है। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आप पहला ना ढूंढे, आप किसी को इलिमिनेट ना करें। आपको मैं एक छोटी सी हिंट देता हूं, आप सिर्फ एक जोड़ी ढूंढ ले कि इसमें कौन से लाइन के बाद कौन सा लाइन आना चाहिए, या कौन से फ्रेज के बाद दूसरा कौन सा फ्रेज आना चाहिए। उसको आपने अगर बंडल कर लिया तो ऑप्शन में जो बंडल आपको वहां पे मिलेगा उसी को आप डायरेक्टली टिक कर लोगे। अब मैं यहां पर देखता हूं कि मेरे पास में ऐसा कोई बंडल है क्या, प्रोजेक्ट इन ओमान दिख रहा है मुझे। अब यहां पर मैं अगर देखूं पांचवे लाइन में तो मुझे दिख रहा हैज बिकम द, इसके साथ कुछ जुड़ेगा, हैज बिकम द प्रोजेक्ट इन ओमान हो सकता है, या हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हो सकता है। तो मैं बोलूंगा कि ज्यादा जो सुटेबल है वो हमको लग रहा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी, मतलब ई के बाद ही डी आना चाहिए, ई और डी दो जोड़ी में चाहिए हमको। अब ई और डी की जोड़ी अगर मैं देखूं तो पहले ऑप्शन में नहीं है ये कट जाएगा, दूसरे ऑप्शन में है ये हो सकता है, तीसरे में नहीं है ये कट जाएगा, चौथे में हो सकता है, पांचवे में भी हो सकता है, मतलब हमारे पास तीन ऑप्शन और बचे हुए। अब अगर मैं ई और डी को स्टार्टिंग में रखूं जैसा कि यहां इस ऑप्शन में नजर आ रहा है तो हैज से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको भी हमने काट दिया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हुए कि हम लोग ईडी को डी को लास्ट में रख सकते हैं क्या। डी को अगर मैं लास्ट में रखना चाहूं तो ये टू जो है ये ऐसे ही रह जाएगा, इसको आप लास्ट में ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसका मतलब ये भी वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, एक जोड़ी ढूंढे वहां पता कर ले कि ऑप्शन में वो जोड़ी कितने बार आई है, एक ही बार आई है तो सीधा ऑप्शन टिक कर ले। आगे मैं बढ़ता हूं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में मैं ये जोड़ी बनाने की कोशिश करता हूं, मुझे दिख रहा है ग्रीनलैंड में लूज ये स्टार्टिंग हो सकती है। अब लूज कर रहा है मतलब कुछ अपने पास से छोड़ रहा है या हटा रहा है या उसके पास से कुछ चीज निकल रही है, वो क्या हो सकता है। तो मैं बोलूंगा 13 इंचेस सी लेवल राइज या 4.5% ऑफ इट्स आइस, ये दो लाइन इसके बाद में सूट हो रही है, पर इसमें ज्यादा सूटेबल इस इट्स के वजह से जो कि ग्रीनलैंड इस कंट्री के लिए आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि सी और ई जोड़ी में बैठ रहा है, इसका मतलब हमको सी के बाद ई चाहिए, सी के बाद ई चाहिए। ऐसे कितने ऑप्शन है तुरंत में, ये तो नहीं है, ये वाला तो ई के बाद ही सी जा रहा है, वो भी दूर दूर में जा रहा है, ये वाला एक ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है, ये वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, और यहां पर भी सी ई नहीं है, मतलब एक ही हमारे पास आंसर है जो कि थर्ड है, बहुत ही सिंपल है। आगे मैं बढ़ता हूं, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं क्लास तो यहां पर मुझे एक हिंट मिल रही है, चिल्ड्रन नाउ डेज डू नॉट, डू नॉट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, और डू डज डिड के साथ वीवन आता है। अब अगर मैं वीवन से स्टार्ट करूं तो एंड तो वीवन नहीं है, विच भी नहीं है, एप्रिशिएट वीवन है, और अवेलेबल तो वर्ब फॉर्म है ही नहीं, अवेलेबल एक एडजेक्टिव है, अवेलेबल का वर्ब फॉर्म होता है अवेल, अवेल, अवेल्ड, अवेल्ड, अवेलिंग और अवेल्स, तो मैं इसको भी छोड़ दूंगा। इसका मतलब बी के साथ अगर किसी की जोड़ी बनेगी तो वो ई की बनेगी, मतलब हमको बी ई चाहिए, मैं लिख देता हूं यहां पे जोड़ी में, बी ई बिल्कुल पहले ऑप्शन में नहीं है, ये कट जाएगा, सेकंड में नजर आ रहा है क्लास, थर्ड में भी नजर आ रहा है, फोर्थ में मुझे नजर नहीं आ रहा, फिफ्थ में नजर आ रहा है। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है जो बी ई इस जोड़ी को रख रहे। अब बी ई के पहले अगर मैं ए लगाऊं
जो कि पहला सेंटेंस हो जाएगा, तो एंड से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा रॉन्ग हो रहा है। अगर बी ई के पहले मैं सी लगाऊं तो विच से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक कंजंक्शन के तौर पे यूज हुआ है यहां पे, तो ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब बी ई से ही सेंटेंस की और आपके इस रीअरेंजमेंट की शुरुआत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं जोड़ी ढूंढू तो मुझे मिल रहा है ये मोर देन वन का एक फ्रेज, इसके साथ कुछ ना कुछ जरूर जुड़ेगा। मोर देन वन फोर्थ इन विलेजेस फॉर वर्क ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स में सुटेबल, तो ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मोर देन वन के बाद या मोर देन के साथ हम लोग ऑफ के फ्रेज बहुत बार यूज करते हैं, यह मैं आपको सिंटैक्स में भी पढ़ा चुका हूं। तो अगर मैं बात करूं मोर देन वन फोर्थ, तो ये इस फ्रेज को जोड़ लेगा, मोर देन वन फोर्थ ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स। इसका मतलब हमको डी और ए जोड़ी में चाहिए, तो मैं यहां लिख देता हूं डी और ए। डी और ए पहले में ही मिल रहा है मुझे, दूसरे में नहीं है क्लास, तीसरे में दूर में है, चौथे में भी नहीं है क्लास, और पांचवे में दूर में है। इसका मतलब हमारे पास में सीधा आंसर बनेगा पहला। एक जोड़ी ढूंढना है सिर्फ आपको। लास्ट क्वेश्चन देखते क्लास इस रीअरेंजमेंट का। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मुझे ग्लोबल वार्मिंग स्टार्टिंग नजर आ रही है कुछ, तो अगर मैं देख रहा हूं ग्लोबल वार्मिंग इज द टर्म, इसके साथ ये यूज्ड टू डिस्क्राइब यूज होगा, क्योंकि टर्म को हमेशा डिस्क्राइब किया जाता है। इसका मतलब ए और डी मुझे जोड़ी में मिल रहा है क्लास। अगर मैं ए और डी को जोड़ी में देखूं तो ए और डी मुझे पहले ऑप्शन में जोड़ी में मिल रहे, दूसरे में बिल्कुल नहीं मिल रहे, तीसरे में दूर में मिल रहे, ये तो रिवर्स चल रहे, और यहां पर भी, यहां पर सीधे है पर बीच में गैप है इनके। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आपने दो जोड़ी एक जोड़ी ढूंढ ली तो आपका कंफर्म आंसर आपको ऑप्शन से मिल जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमने सारे सिंगल लाइनर्स कर लिए, अब हमको कॉम्प्रिहेंशन हमारे पास बचा हुआ है और दूसरी चीज क्लोज टेस्ट बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोज टेस्ट सॉल्व कर ले, मैं क्लोज टेस्ट पे आ जाता हूं। क्लास क्लोज टेस्ट का ऐसा हिसाब रहेगा कि आपको इसको पढ़ के ही सॉल्व करना पड़ेगा। एक ग्रामर का एंगल आप यूज कर सकते हो ऑप्शंस को डिलीट करने के लिए, वरना आपको मीनिंग वाइज सेंटेंसेस को चॉइस करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। असाइड फ्रॉम मुझे मिल रहा है, असाइड फ्रॉम पहला ही वर्ड है। असाइड फ्रॉम मतलब ये कुछ ना कुछ रिवर्सल देगा, कुछ ना कुछ उल्टा देगा बाकी चीजों से। तो आगे देखो मैं तो स्क्रीन स्टेज मेथड एंड टेक्निकल एक्टिंग देर आर ऑल्सो, ये असाइड फ्रॉम यहां पर इस चीज को रिप्रेजेंट करवा के हमको देगा। अब मैं अगर ऑप्शंस देखूं तो डायरेक्टली मैं ऑप्शंस को ग्रामेटिकली डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, तो मुझे मीनिंग ही सोचना पड़ेगा। अब आप मैं देखूं तो यूजुअल टाइप्स लगा सकते हो बोल के, कन्वेंशनल टाइप्स लगा सकते हो, पर ऐसा बोल के नहीं लगाना है आप लोगों को। अगर मैं नॉर्मली जाऊं तो ये जो मेथड्स है ये यूजुअली है, ऑर्डिनरी ही है, कन्वेंशनल ही है, जेनेरिक ही है, मतलब मुझे अलग बात करनी और अलग तो डिफरेंट इस वर्ड के अलावा किसी और से नहीं आएगा, तो आपको मीनिंग वाइज यहां पे डिफरेंट उठाना पड़ेगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर मैं ऐसे नहीं उठा पा रहा था, मैं डायरेक्ट पढ़ के कैसे उठाऊं, नहीं जम रहा है, तो आपको स्किप कर देना है पार्ट को, क्योंकि पांचों के पांचों एडजेक्टिव्स है, आपको ये प्लस माइनस के बेसिस पे डिलीट करने हैं, आपको एक इनसे हटके पार्ट चाहिए था, वो सिर्फ डिफरेंट में अवेलेबल है। दूसरे क्वेश्चन, दूसरे पार्ट पे चलते हैं हम लोग। आगे मैं बढ़ता हूं, सेकंड पार्ट बोल रहा है टाइप्स ऑफ एक्टर्स एंड व्हाट दे डू ऑन स्टेज और ऑन कैम, एंड एक्टर मे बी नोन टू स्टिक टू अ रोल दैट इज सिमिलर टू ऑल हिज अदर प्रीवियस रोल, मतलब पुराने जो रोल किया है उसी की तरह वो एक्ट करता है अपनी पिक्चरों में, और ही मे बी नोन टू बी, अब यहां पर और यूज कर रहे, यहां पर सिमिलर रोल के अपोजिट वाली चीज होनी चाहिए, मतलब सिमिलर वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अगर मैं देखूं तो हेल्पफुल तो यहां बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है वहां पे। एब्सर्ड अगर मीनिंग आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, बेतुका इसका मतलब होता है, डल इस सिचुएशन को सूट नहीं कर रहा, लिमिटेड ये वर्ड यहां बैठ सकता है, पर हमको रिवर्स लेना है सिमिलर का, तो वो लिमिटेड ही होगा, इसीलिए हम लोग उसको नहीं लेंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है वर्सटाइल, वर्सटाइल मतलब अलग अलग
अलग अलग तरीके की चीजें करने वाला एक्टर, एक्सपेरिमेंट करने वाला एक्टर, और इस और के वजह से इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर से मैं एक बार बता दूं, अगर ये सारे के सारे एडजेक्टिव थे, अगर आप सीधा रखने की कोशिश कर रहे हो तो आप जिंदगी भर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, याद रखें। तो आपको बाय रूल, बाय अंडरस्टैंडिंग जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट ब्लैंक की मैं बात करूं, ईच एक्टर हैज अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ हिज ओन दैट द डायरेक्टर मेक्स यूज ऑफ टू द क्वालिटी। ये टू आ रहा है मतलब यहां जाहिर सी बात है V1 आएगा, और सारे के सारे ही V1 है। अब क्वालिटी कोई भी क्या चाहेगा, क्वालिटी इंप्रूव हो, अच्छी हो, कि क्वालिटी को डिनाइल में लाया जाए, निग्लेक्ट किया जाए, तो मैं बोलूंगा कि क्वालिटी तो बढ़ानी चाहिए, और बढ़ाने के लिए हमारे पास में एक ही वर्ड है, एनहांस। तो आप सीधा इस आंसर को उठा सकते हो। बाकी के वर्ड्स में जैसे डिनाउंस शायद आपको ना पता हो, रिविल तो यहां पे सूट हो ही नहीं रहे, डिबेस मतलब डी बोल रहा है, बेस से हटाना, डिग्रेड करना, और डिनाउंस की बात करूं तो निंदा करना होता है, जो कि वहां पे बिल्कुल सूट नहीं होगा। तो आप डायरेक्टली आंसर पे भी जा सकते हो, वो रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं, नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ। पर्सनैलिटी एक्टर्स आर एक्टर्स हु टेक देयर पर्सोना विद देम फ्रॉम रोल टू रोल। पर्सनैलिटी एक्टर्स वो रहते हैं जो अपनी पर्सनैलिटी को वैसे ही रोल टू रोल लेके चलते हैं, मतलब एक ही तरीके की एक्टिंग करने वाले अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से। जैसे राजकुमार साहब हुआ करते थे, वो हमेशा डेयरिंग वाली ही एक्टिंग अपने हर पिक्चर में करते थे, अपनी हर मूवी में करते थे। उसी किस्म के एक्टर्स, पर्सनैलिटी एक्टर्स मेक यूज ऑफ देयर ओन व्हाट। तो अब यहां पे सारे ही नाउन है, आपको सारे ही अच्छे लगेंगे, ऑरा भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, पर्सनैलिटी भी अच्छी है। पर्सनैलिटी एक्टर्स है तो वो अपनी पर्सनैलिटी का यूज करेंगे। आपको डायरेक्टली ये लगाना है अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे, आपको ये आंसर बहुत बार स्किप भी करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे नाउन है और सारे के सारे वर्ड्स में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी छुपी हुई है, खास तौर पे पर्सनैलिटी में, ऑरा में और क्वालिटी में। तो आप बोल सकते हो सर ऑरा भी तो अच्छा हो सकता था। तो अगर आप डायलेमा में हैं तो आप बिल्कुल इस ऑप्शन को आप लोग स्किप कर सकते हो, इसको आपने सॉल्व नहीं करना है, या अटेम्प्ट तो करना है पर टिक नहीं करना है। आगे मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे मैं बढ़ता हूं, कैरेक्टर एक्टर इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ पर्सनैलिटी एक्टर। पर्सनैलिटी एक्टर कैसा था, जो एक ही किस्म के रोल कर रहा है, और कैरेक्टर एक्टर कौन है, कैरेक्टर एक्टर वो है जो जिस किस्म का कैरेक्टर उसको मिले उसके अंदर घुस के एक्टिंग करता है, उसी तरीके की एक्टिंग करते हैं। जैसे दिलीप कुमार साहब अलग अलग रोल में, सीरियस रोल में या कॉमेडी में या ड्रामा में उन्होंने अलग अलग किरदार निभाए हैं। तो मैं बोल सकता हूं कैरेक्टर एक्टर्स देयर रोल्स, अपने रोल्स को कुछ वर्ब के साथ करते हैं, और सारे ही V1 वर्ब है तो आप ग्रामर पे तो डिलीट नहीं कर पाएंगे। अब यहां पे कैरेक्टर एक्टर्स है, उनकी पॉजिटिविटी की बात चल रही है, तो मैं निगेटिव वर्ड पहले हटा देता हूं, इग्नोर, निग्लेक्ट, ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे। इवन कंडेम्ड भी, कंडेम मतलब निंदा करना। तो हमारे पास दो वर्ड्स बचते हैं, दो V1, एक है रिसर्च और एक है इन्वेस्टिगेट। अब कैरेक्टर एक्टर है, कोई पुलिस थोड़ी है कि इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। कोई भी एक्टर, जैसे कोई भी टीचर अपनी पढ़ाई के बारे में या अपने रोल के बारे में क्या करेगा, रिसर्च करेगा। ये इसका बेस्ट आंसर है, ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद लास्ट चीज को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, वो है कॉम्प्रिहेंशन। उसको कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। क्लास ये पैसेज आपको दिया था, पैसेज को सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पैसेज एक बार रीड जरूर करना है, भले ही आप एक मिनट में फटाफट पढ़ ले, आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये पता करना है कि क्या टॉपिक चल रहा है, उसके किन एस्पेक्ट्स की बात चल रही है, और उसमें पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी चल रही है या निगेटिविटी निगेटिविटी चल रही है, या पॉजिटिव निगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स इंटरचेंज हो रहे हैं। तो इस बात को पता करने के लिए याद नहीं करना है आपको पैसेज, सिर्फ आपको गो थ्रू करना है ताकि आपको आइडिया आ जाए कि पैसेज किस बेस पे दिया हुआ है। ये पैसेज मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं पढ़ूंगा नहीं वापस, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन मैं देखूं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज फ्रॉम विच सिटी वेयर द कपल बोर्डिंग, मतलब बैठ रहे हैं। ये एक ऐसा पैसेज था जिसमें एक कपल एक ट्रिप पे जा रहा है अपने, और उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई उसके ऊपर में ये पैसेज चल रहा था।
एक नैरेटिव बेस्ड पैसेज है। तो आगे बढ़ते क्लास हम लोग, अब उन्होंने बोर्डिंग कहां से ली थी, देखा जाए तो उनको जाना कहां से था, उनको जाना कहां है, उनको जाना है फिजी, फिजी विजिट करना है। तो फिजी विजिट करना है तो फिजी से तो फ्लाइट नहीं लेंगे, वो तो अपने होम टाउन से फ्लाइट लेंगे। अब उनका होम टाउन क्या है, तो मैं देखूं तो मुझे सेकंड पैरा में दिख रहा है कि वो वी गॉट टू द एयरपोर्ट एंड वी वर टोल्ड एट वन चेक इन डेस्क दैट वी हैड टू बोर्ड द फ्लाइट, ये बोर्ड कर रहे हैं फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द एयरपोर्ट, नॉट ओनली डिड वी हैव टू रन थ्रू द सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट। समझे क्या मतलब, यहां पे वो बोर्डिंग मतलब वो बैठने वाले हैं सैन फ्रांसिस्को से ना कि फिजी से। तो जो बच्चे बहुत बिगिनर्स है वो यहाँ गलतियां करते हैं कि उनको फिजी दिख रहा है, सैन फ्रांसिस्को दिख रहा है, यहाँ पर कहाँ जा रहे ये नहीं पूछा है, कहाँ से बैठे ये पूछा है। तो बैठ रहे फिजी से नहीं है क्लास, सैन फ्रांसिस्को से, बहुत ही ईजी है ये। तो आप सैन फ्रांसिस्को टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो पूछ रहा है हाउ लॉन्ग वॉज द कपल्स ड्राइव बैक होम फ्रॉम द एयरपोर्ट। अब बैक होम बोल रहा है मतलब वापस कब आए या वापस कितने घंटे में आए, वो वापस आ रहे हैं तो बीच में तो वापस नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं एंड में ही ये नैरेटिव दिखेगा आप लोगों को। तो इनमें मैं अगर देखूं तो ड्राइव बैक होम मुझे डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे आपके क्वेश्चन के ऊपर में ही है, 3 आवर ड्राइव बैक होम मतलब सीधा सीधा 3 घंटे उनको लगे, मैं बोल सकता हूँ। ये तो आंसर कितना भी बिगिनर वो भी उसने भी रॉन्ग नहीं करना चाहिए, ये सबका आंसर राइट आना चाहिए क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, ये ट्रू फॉल्स बेस्ड कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सेंटेंसेस है और इसके आपको ऑप्शंस जस्टिफाई करने हैं पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो अगर मैं पहला सेंटेंस देखूं तो बोल रहा है द कपल वॉज द मोस्ट एक्साइटेड टू सी फिजीज, फिजी तो देखना चाह रहा था। यहां बोला है लार्जेस्ट आईलैंड, मैं यहां पर भी चेक कर लू तो मुझे दिख रहा है स्टार्टिंग में कि भाई वो बींग एक्सप्लोरर्स वी वर मोस्ट एक्साइटेड टू सी देयर सेकेंड लार्जेस्ट आईलैंड जिसका नाम है वनुआ लेव। वनुआ लेव तो बिल्कुल सही है पर यहां पर लार्जेस्ट बोला है और यहां पर सेकेंड लार्जेस्ट बोला है, यहां पर सबको आंखों का धोखा होने वाला है, चाहे वो बिगिनर हो या वो कितना भी रिसर्च वाला एग्जाम बच्चा हो। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि एक वर्ड वो कहीं रॉन्ग तो नहीं कर रहा है। तो यहां पर आपको एग्जामिनर ट्रिक कर दे रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है, रॉन्ग है, क्योंकि आपको चाहिए था सेकंड लार्जेस्ट और यहां पे दिया हुआ है लार्जेस्ट, ये वाला सेंटेंस रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये ऑल आर करेक्ट वाले ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएंगे और हमको करेक्ट चाहिए। सेकंड वर्ड थे कपल हैड टू रन थ्रू सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट, ये तो थोड़ी देर पहले ही हमने देखे थे, विद देयर 40 पाउंड हाइकिंग बैकपैक्स, पैक्स लिखा हुआ है वो बैकपैक्स है एक्चुअली, ठीक है बैकपैक्स भी बोलते हैं बैक को। तो यहां दिख रहा है वो भाग रहे हैं सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे, 40 पाउंड का हाइकिंग पैक्स भी है उनके पास में, बिल्कुल सही है। कभी कभी इसको अगर रॉन्ग करना है तो यहाँ पाउंड करेगा, यहाँ पाउंड है तो यहाँ केजी कर देगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गलती है जो आपको याद रखनी है। 40-40 दिखने से आपका आंसर राइट नहीं हो जाता क्लास, आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके साथ यूनिट्स क्या दिया है, यहाँ पाउंड दिया है, हाइकिंग पैक्स दिया है, ये भी वाह होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे आपको रक्सैक्स बोल दे, मतलब कुछ और बैग्स के बारे में बोल दे या डफल बैग्स के बारे में बोल दे, कुछ एक वर्ड गलत करके आपका ऑप्शन रॉन्ग करवा देगा वो। तो आपको यहाँ गहराई से ध्यान देना है, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल मेल खा रहा है। तीसरा वाला अगर मैं देखूं द कपल हैड टू बोर्ड एन 11 आवर फ्लाइट टू रीच फिजी, क्या उनको 11 घंटे की फ्लाइट लेनी पड़ी, तो मुझे वो दिख रहा है क्लास सेकेंड ही नहीं थर्ड पैरा है, थर्ड पैरा दिख रहा है कि हाँ वो 11 आवर की फ्लाइट ले रहे हैं फिजी के लिए, जो कि बिल्कुल सही है, मतलब बी और सी ऑप्शन सही है, आंसर होना चाहिए बोथ बी एंड सी। और मुझे पता है हमारे बच्चों के बारे में, उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने ऑल आर करेक्ट उठाया होगा यहाँ पे वनुआ लेवो को लार्जेस्ट को देखते हुए। तो ये क्वेश्चन इस पूरे पैसेज में अगर कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था तो वो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन ईजी ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते क्लास। यहां पर हमको एंटोनिम मतलब कि अपोजिट बताना है फ्रेंटिक का, फ्रेंटिक का मीनिंग नहीं पता तो आप कॉन्टेक्स्ट से लेने की कोशिश करें। यहां पे बोल रहा है समवन हैड अ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आ रहा है किसी को, एंड द फ्लाइट अटेंडेंट्स वर फ्रेंटिकली लुकिंग। अब किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो जो फ्लाइट अटेंडेंट होगा वो इजीली तो काम नहीं करेगा, वो बहुत ही धड़पड़ करेगा या चिंतित हो जाएगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बहुत रशिंगली या बहुत रश के साथ वो ढूंढ रहा है किसी को।
तो इसका अपोजिट जाहिर सी बात है रश वाला नहीं होना चाहिए, वरीड वाला नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इसका अपोजिट काम होना चाहिए। ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हो अगर आपको निकालना है तो। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है क्योंकि आपको एजिटेटेड का या फ्यूरियस का मतलब नहीं पता तो आप लोग स्किप कर सकते हो। अगर आप श्योर हो हाँ ये तो निगेटिव ही बात कर रहा है तो उसका अपोजिट पॉजिटिव ही होगा तो आप डायरेक्टली उठा भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। लास्ट क्वेश्चन है, हमको समानार्थी बताना है स्क्रैम्बल का। स्क्रैम्बल इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो हम कोशिश करते हैं कि भाई हम लोग पैसेज के कॉन्टेक्स्ट से उठा ले। कॉन्टेक्स्ट बोल रहा है द नाइट बिफोर द ट्रिप अवर ट्रैवल ब्रोकर सेंट अस अ मैसेज दैट द होटल हैड लॉस्ट अवर रिजर्वेशन डिटेल्स। मतलब इनके साथ कुछ निगेटिव पॉइंट हो जा रहा है। सो 8 आवर्स बिफोर वी वर सपोज टू लीव फॉर द एयरपोर्ट दे हैड टू स्क्रैम्बल टू फाइंड अ रिजर्वेशन फॉर अस। स्क्रैम्बल इसका मतलब यहां पर भी कुछ ना कुछ धड़पड़ चलती नजर आ रही है। मतलब ये एक निगेटिव वर्ड है। अब आपको निगेटिव वर्ड ढूंढना है धड़पड़ वाला तो यहां पे रश मुझे दिख रहा है जो आप डायरेक्टली उठा सकते हो। अगर आपको रिट्रीट मतलब के पीछे हट जाना जैसे कि युद्ध में सेना पीछे हटती है, एस्केप तो पता ही होगा आप लोगों को निकल जाना किसी दुविधा में से, इवैकुएट मतलब मुश्किल कंडीशन में से निकलना तो ये दोनों आप लोग एक साथ रख सकते हो। डिपार्ट मतलब प्रस्थान करना जैसे कि गाड़ी प्रस्थान करती है तो आपको बेस्ट आंसर मिलेगा यहाँ पे रश। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते बाकी के ऑप्शंस नहीं पता तो आप छोड़ भी सकते हो, आप वही आंसर टिक करें जिसमें आप श्योर शॉट। तो ये था हमारा IBPS पहला जो क्लर्क पेपर था उसका एनालिसिस।